ए वक्त जलील आजम ए वजीर आजम तो नहीं है जलील आजम है ए वक्त ए जनाब जर्मनी जबान बोले थे पूरिया मीडिया खड़ा होकर पीछे दिखाए कि हमारे वजीर आजम को जर्मनी जबान आती है। मैंने कहा अच्छा आती है आगे चलो। जब अकवामे मुतहदा में तुम खड़े थे तुम्हें देख कर कुरान नहीं पढ़ना आया, डूब कर नहीं मरते। वो क्या कहते होंगे कि 25 करोड़ मुसलमानों का नुमाइंदा ये है जिसे देखकर कुरान नहीं पढ़ना आता और तुम्हें जर्मनी जबान पर फखर है, तुम्हें होगा उनके ऊपर फखर। हमें इस बात के ऊपर कोई फखर नहीं, हमारे लिए फखर एक ही बात है कि हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत मौजूद है। बस हमारे लिए फखर की यही बात है कि जब भी हुजूर की नामोस की बात आती है हम अपनी जाने अपना माल अपने बच्चे अपनी औलाद और अपनी तमाम असबाब उसी हुक्म के मुताबिक जिस तरह अमीरुल मुजाहिदीन ने बताया वो लेकर मैदान में आ जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। ना हम शेख न मुल्ला न मसाहिब न लीडर, कोई दावा नहीं। ना हम शेख न मुल्ला न मसाहिब न लीडर, जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे। और आखिरी बात ये याद रखना, खुदा ना खास्ता हो सकता है कि मैं भी रास्ते से हट जाऊं, हो सकता है खुदा ना खास्ता कहीं मुंह में खाक कहीं आगे पीछे हो जाऊं, तो मैं आपको खुद ही आज बताकर जा रहा हूं कि मुस्तनद रास्ते वही माने गए। बस कोई भी हो मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। वो सामने मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए और लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए और आह को नस्बत था कुछ उस शाग से आह निकली और पहचाने गए। और एक मरतबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़े जी सारे, तीन मरतबा सूरह इखलास अव्वल आखिर दुरूद।